खबर राजधानी भोपाल सहित। राजधानी में कोरोना के तीन मरीज मिले हैं। 22 दिन बाद कोरोना के तीन मरीज राजधानी में सामने आए हैं। इससे पहले 30 मार्च को तीन संक्रमित मिले थे और एक बार फिर तीन मरीज मिले हैं 22 दिन बाद। अब राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 7 हो गई है। जीपी हॉस्पिटल में रोज 30 से 35 टेस्ट हो रहे हैं। राजधानी में कोरोना के तीन नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या 7 हो गई है। इससे पहले 30 मार्च को तीन संक्रमित मिले थे और 22 दिन बाद एक बार फिर तीन संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत जी, राजधानी में कोरोना के तीन संक्रमित मरीज 22 दिन बाद एक बार फिर सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार जो है लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं 22 दिन बाद तीन मरीज पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना को पीछे जरूर धकेल दिया गया है। लगातार जो प्रिकॉशंस लिए गए, सरकारों की तरफ से जो तैयारी की गई थी, उस तैयारी के बल पर आम लोगों ने कहीं ना कहीं कोरोना को पीछे तो धकेल दिया है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना गाहे बगाहे अपना असर जरूर छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और अपना असर जरूर दिखा रहा है। ऐसे में जरूरत है लोगों को सावधान रहने की, सतर्कता बरतने की, क्योंकि लगातार जो है अभी भी भले ही कम संख्या में मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी भी है, हमारे बीच से गया नहीं।